नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर्मेशन। बिहार कांग्रेस की आज दिल्ली में बैठक हुई है। बैठक में बिहार में महागठबंधन के अंदर सीटों के बंटवारे पर चर्चा हुई है। पार्टी के बिहार प्रदेश से जुड़े तमाम नेता जो थे वो दिल्ली दरबार में हाजिर हुए और वहाँ पर बैठक हुई है। बैठक में बिहार कांग्रेस के नेताओं ने पार्टी के जो राष्ट्रीय नेतृत्व हैं उनसे 19 सीटों पर अपने उम्मीदवार दिए हैं कि हम बिहार कांग्रेस जो है 19 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। बैठक में विधायक दल के नेता सदानंद सिंह ने बिहार में लोकसभा में 19 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा किया। सदानंद सिंह कुछ लोकसभा क्षेत्र का लिस्ट भी आलाकमान को सौंपा है। सदानंद सिंह ने कांग्रेस आलाकमान को जो लिस्ट सौंपे हैं वे इस प्रकार हैं: दरभंगा से कीर्ति आजाद, खगड़िया से महबूब अली कैसर, जहानाबाद से अरुण कुमार, बक्सर से ददन पहलवान, कटिहार से तारिक अनवर का नाम सदानंद सिंह ने कांग्रेस आलाकमान को सौंपा है। हालांकि कांग्रेस ने 19 सीटों पर अपना दावा तो ठोक दिया है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि आरजेडी को फार्मूला कितना फिट बैठता है। इस बैठक में राहुल गांधी, चिदंबरम, अहमद पटेल, एके एंटनी, गुलाम नबी आजाद, वेणुगोपाल के साथ प्रदेश अध्यक्ष और विधायक दल के नेता मौजूद रहे। तो अब देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस का यह प्रस्ताव राष्ट्रीय नेतृत्व स्वीकार करता है या फिर लालू यादव से जो अगली बातचीत होगी संभवतः उसमें इस प्रस्ताव पर चर्चा होगी, क्योंकि लगातार दिल्ली रांची में जेल में बंद लालू प्रसाद से नेताओं की बातचीत जारी है। मुलाकात के बहाने तमाम नेता रांची जा रहे हैं और रांची में लालू प्रसाद यादव से मुलाकात कर रहे हैं और मुलाकात में सीट शेयरिंग पर भी चर्चा हो रही है।